गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको पांचवी कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। आज आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आज क्या करवाऊंगा, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। तारीख लिख लें ऊपर, सितंबर 22, 2020, सितंबर 22, 2020, पाठ चार लिख लें कॉपी के ऊपर। और क्या लिखेंगे, त्योहारों का देश। इसके बाद क्या लिखना है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर सोचे और बताएं। उसके नीचे आप लिखेंगे सोचे और बताएं। यहाँ तक लिख ले, मैं रुका हुआ हूँ। प्रश्न एक, त्योहारों का देश किसे कहते हैं, त्योहारों का देश किसे कहते हैं। उत्तर, त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। यहाँ तक लिख लें, त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न दो, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है, आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है। उत्तर, आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं को याद दिलाता है। प्रश्न तीन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, अब क्या है आपका, लिखें ऊपर क्या लिखेंगे आप, लिखें ऐसे बिंदु बना लें, बॉक्स में डाल लें। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। त्योहारों का देश हमारा, आपको क्या भरना है, हमको इससे प्यार है। त्योहारों का देश हमारा आपको भरना है, हमको इससे प्यार है। उसके नीचे आपको ये भी भरना है, दूसरी लाइन में, राखी के दिन बहन खुशी से, ये आपको भरना है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, दिवाली पर दीपदान, दिवाली पर दीपदान। और ये लाइन आपको भरनी है, उसके आगे ये भरना है आपको, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, दिवाली पर दीपदान आप भरेंगे उसके आगे, फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। नीचे वाला लाइन भी भरनी है आपको, होली में डफ ढोल मंजीरे, ये आपको भरना है। होली में डफ कॉमा ढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। तो आप यहाँ से रंगों की बौछार है, यहाँ तक कर लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। पहला, 15 अगस्त है, 15 अगस्त है महिला दिवस या शिक्षा दिवस या स आज़ादी का दिवस या द बाल दिवस। 15 अगस्त है महिला दिवस, अ ब शिक्षक दिवस, स आज़ादी का दिवस, द बाल दिवस। यहाँ कोष्टक बनाया गया है, आप उसमें क्या लिख लेंगे, ये स क्रमाक्षर आप क्या लिखेंगे, स आज़ादी का दिवस, स लिख लें। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, ख, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती हैं, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, होली आती है या 26 जनवरी या दिवाली या ईद। तो सही उत्तर क्या है आपका, 26 जनवरी ब। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कोष्टक में, ब। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। प्रश्न तीन, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्वेश्चन मार्क।
उत्तर, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, कॉमा, और भाई अपनी बहन को उपहार देता है। इस प्रकार राखी का त्यौहार मनाया जाता है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 4, क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। क्रिसमस पर बच्चों को खेल खिलौने के उपहार मिलते हैं। यहाँ तक लिख लें आप, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 5, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? उत्तर, हमारे देश में हर माह कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 6, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? उत्तर, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति, कॉमा, त्याग और बलिदान के भाव उठते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति, त्याग और बलिदान के भाव उठते हैं। यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 7, भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है? उत्तर, ईद का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। ईद का त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब आपको अपना होमवर्क समझना है। आपका गृह कार्य होमवर्क क्या रहेगा? आज 1 to 7 प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, इसे आपको अपनी कॉपी में दोबारा लिखना है। प्रश्न को लिखकर उसके उत्तर को लिखने के उपरांत आप याद करेंगे, प्रश्न के उत्तरों को याद करेंगे, मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है और लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर, यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग करें, खुश रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।